मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ हेजे न्यूज में। गाइस, पटना में चालान काटने पे भम्माल कर दिया है जनता ने, और उसी के चलते हुए 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए जानते हैं ऐसा क्या कर दिया है उन लोगों ने कि उनके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगी हैं और उनको इस वक्त जेल में डाल दिया गया है। और ये सब चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि एक महिला का चालान कट रहा था। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं आज। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की न्यूज। ये मामला हमारे सामने पटना के एग्जीबिशन रोड से आ रहा है, जहां पर रेणु देवी नाम की एक औरत फोर व्हीलर चला रही थी और सामने खड़े थे पुलिस वाले। और आप लोगों को पता ही है कि न्यू व्हीकल एक्ट काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं और उसी के चलते हुए लोग काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। कहीं पर लोग काफी ज्यादा खुश हैं और कहीं पर बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियां तक जला रहे हैं। और उसी के चलते हुए अगर आपसे छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए कभी, तब आप लोगों को भारी भरकम जुर्माना देना पड़ता है, चालान कट जाता है। एग्जीबिशन रोड से रेणु देवी जा रही थी, सामने पुलिस वाले खड़े थे तो उन्होंने रेणु देवी को रोक लिया और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी इसीलिए उनकी, रेणु देवी और पुलिस वालों के बीच में थोड़ी बहस हो गई और उन्होंने रेणु देवी का 5,000 रुपए का ये चालान काट के उनके हाथ में थमा दिया। और जब रेणु देवी काफी ज्यादा उनसे बहस कर रही थी, तब नजदीक ही लोग जो खड़े थे वो वहां पर आ गए और रेणु देवी के हक में आ गए और पुलिस वालों से वो लोग भी बहस करने लग गए। और ये चीज वहां तक पहुंच गई कि ये पुलिस वाले और वो 11 लोग आपस में लड़ाई झगड़ा और मारपीट तक पहुंच गए। फिर पुलिस वालों ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। अभी उन लोगों के ऊपर काफी सारे धाराएं चलाई गई हैं, जैसे कि 147 और 49, 504, 353 और भी काफी सारी धाराएं हैं जिनको चलाया गया है और उन लोगों को जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाना कानूनी जुर्म है। और इसी के साथ अभी और भी काफी सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनके बारे में हम अभी आप लोगों को आगे की न्यूज में बताते जाएंगे। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए। अगर आपके साथ भी ऐसा पुलिस वालों का कुछ बहस हुई है या आपका या किसी और का चालान कटा है इस एक्ट के चलते हुए, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितने का चालान कटा और क्या आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे थे और इसीलिए चालान और फिर भी काट दिया, या क्या ऐसी मिस्टेक हुई थी आपसे जो आपका चालान काट दिया। इसी के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचडी न्यूज़।